गलती रह गई है क्योंकि महाराज जी परिव्राजक आचार्य हैं। परिव्राजक शब्द का अर्थ होता है जो देश देशांतर में घूम घूम कर कथा का प्रचार करते हैं, भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। तो श्रीला महाराज जी हमेशा देश विदेश में कथाओं का प्रचार करते हुए, श्रीमद महाप्रभु की गुरुदेव की वाणी का प्रचार करते हुए सदैव भ्रमण करते रहते हैं। तो इनके पास बड़ी मुश्किल से समय मिलता है और उस पूरे अपने विशिष्ट रूप में से महाराज जी ने हमें समय दिया। हम महाराज जी के बहुत आभारी हैं। हम लोग उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं कि उन्होंने हम संगरूर वासियों पर कृपा की और यहाँ पर आए और हम 7 दिन तक महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करेंगे। देखिए शास्त्रों में साधु संघ की बहुत महिमा बताई गई है और भगवान राम इस मनुष्य जन्म की दुर्लभता श्री रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद निरंजन गावा, कि बड़े ही भाग्य से हमें यह मनुष्य जीवन मिलता है। जीवन तो बहुत प्रकार के हैं, कभी कोई पशु बनता है, कभी कोई पक्षी बनता है, कीट पतंग बनते हैं, पर्वत बनते हैं, है ना, बहुत तरह की योनियाँ हैं। परंतु यह मनुष्य योनि जो है ये एक विशेष योनि है। इसमें हम भगवान का भजन कर सकते हैं, साधु संग कर सकते हैं, क्योंकि साधु संग के बिना कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान ने अपने को प्राप्त करने की जो चाबी है ना, वो चाबी संतों के हाथ में दे रखी है। अगर हम संतों के चरणों की सेवा करेंगे, उनके कहे हुए वाक्यों को, उनके उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, तभी हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है और तभी हमें नित्य सुख प्राप्त हो सकता है। नहीं तो इस संसार में हमें हमेशा क्या मिलता है, थोड़ा सा सुख मिलता है फिर, लेकिन उस सुख के पीछे बहुत बड़ा दुख खड़ा रहता है, फिर सुख मिलता है फिर दुख आ जाता है। तो केवल मात्र नित्य सुख कहाँ मिलेगा, हमें भगवान के चरणों में ही मिलेगा। वो केवल प्राप्त होंगे साधु जी के, जो साधु हैं, जो संत हैं, उनके चरणों में अगर हम शरणागत होंगे। तो ऐसे संत हमारे बीच में आए हैं और बहुत ही पुण्यतिथि है आज। आज क्या है, श्री राम जन्मोत्सव। आज के दिन ही हवनपुरी में हर युग में भगवान का अवतार होता है। तो त्रेता युग में जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान राम के रूप में अवतरित होते हैं। तो भगवान अपने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, इन चारों रूपों में आज के दिन ही प्रकट होते हैं। आज के दिन ही चारों भैया का जन्मदिन होता है अवनपुरी में। आज वैसे तो दोपहर के 12 बजे भगवान का आविर्भाव होता है, लेकिन महाराज जी यहाँ पर शाम को आ रहे थे इसलिए हमने प्रोग्राम को शिफ्ट कर दिया था, शाम को कर दिया। अभी हम शाम को अभिषेक करेंगे और आज हमने एक बहुत ही विशेष दर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। हमने बांके बिहारी जी को आज राम रूप में, राम और सीता जी के रूप में यहाँ पर दर्शन है। यहाँ पर आज ठाकुर जी ने मुरली धारण नहीं की हुई, आज धनुष धारण किया हुआ है। जैसे एक प्रसंग याद आ जाता है इससे कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन में आए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के जो भाई थे नंददास जी, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में सुनकर के एक बार ब्रज दर्शन करने के लिए आए। जब वो ब्रज दर्शन करने के लिए आए तो वह यहीं पर ब्रज में ही आके रह गए, यहीं पर भजन करने लग गए। तब तुलसीदास जी ने उनको पत्र लिखा कि आप वहाँ पर क्यों रह गए, आप तो राम भक्त हो। तो उन्होंने बोला कि ये तो मेरे पिताजी का दोष है, उन्होंने मेरा नाम क्या रखा, नंददास रखा, आपका नाम तुलसीदास रखा, तो मैं तो नंदनंदन का दास हो गया हूँ, मैं तो यहाँ ब्रज में ही रहूँगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक बार यहाँ पर ब्रज में आए और यहाँ पर आकर के भजन करने लगे। ज्ञान गुदड़ी एक जगह है आपकी, वहाँ पर वो भजन करते थे। तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, तो वहाँ पर जब दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने बड़े भाव से भगवान के दर्शन किए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा, सियाराम में सब जग जानी, वो तो सर्वत्र सियाराम जी के दर्शन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण में भी हमको श्री राम जी के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन उनकी महिमा को और अधिक प्रकट करने के लिए जो वहाँ पर पुजारी जी थे उन्होंने पूछा कि अरे आप कैसे भक्त हो, अपने इष्ट को छोड़कर के दूसरे को प्रणाम कर रहे हो, आपके इष्ट तो रामचंद्र हैं लेकिन आप प्रणाम किनको कर रहे हो, कृष्णचंद्र को कर रहे हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी समझ गए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहाँ पर एक बड़ा सुंदर पद गाया है, पद तो मुझे याद नहीं है, पर वहाँ पर वो बोलते हैं कि अरे बड़ी सुंदर छवि है आपकी, आज आपने मुरली धारण की हुई है और आप त्रिभंग ललित रूप में खड़े हो, परंतु तुलसी तो अब तब आपके सामने माथा झुकाएगा जब आप राम रूप में दर्शन दोगे। तो भगवान ने उसी समय मुरली को छोड़ करके राम रूप में दर्शन दिया वहाँ पर, वो मंदिर आज भी है। तो इस प्रकार बड़ी ही सुंदर सुंदर कथाएं हैं जो अभी हमें महाराज जी के मुखारविंद से हमें श्रवण करने को मिलेंगी। भगवान श्री राम जी का जीवन चरित्र
उनकी शिक्षाएं गोस्वामी तुलसीदास जी की शिक्षाएं बड़ी सुंदर रूप में महाराज जी अब हम तो सबको सुनाएंगे, हम लोग महाराज जी के मुखार से श्रवण करेंगे। मोहित सब एक बार हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जो लोग नहीं बोल पाए थे एक बार फिर से, भगवान का नाम लेने से कोई घाटा नहीं होगा, और विशेष करके देखो आज रामनवमी है, भगवान राम, भगवान को अपना नाम सबसे ज्यादा प्रिय है, इसलिए एक बार सभी जोर से बोलिए, बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। देखो प्रभु जी बता रहे थे साधु संघ, और विशेष करके आज गुरुपाद पद में यहाँ पर उपस्थित हैं, साधु संघ की महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। साधारण व्यक्तियों की क्या भावना होती है कि यार हमारी, अगर प्रभु जी कह रहे थे ना बहुत भाग्य का दिन है, बड़े सौभाग्य का दिवस है, सौभाग्य का दिवस, यदि कोई प्रश्न करे कि भैया हमारी कोई लॉटरी तो लगी नहीं, आप बार बार इतना भाग्यवान सौभाग्यवान क्यों कह रहे हो, हाँ हमारा कोई चेक साइन किसी ने तो क्या ब्लैंक चेक तो साइन करके हमको दिया नहीं। साधारण रूप में लोगों की क्या भावना होती है कि भैया जिस दिन बहुत धन लाभ हो जाए तब बहुत अच्छा दिन गया, सौभाग्यवान दिन था, है ना। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को मना करते थे, बोले ऐसा नहीं है, यदि कोई विचार करे कि आज मेरी शादी हुई है, शादी की सालगिरह है, या फिर मेरी पत्नी ने बहुत सुंदर मीठी मीठी मेरे से बात कर दी तो वो मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन है, गोस्वामी के कहते हैं नहीं ऐसा भी नहीं है। सुत तारा और लक्ष्मी पापी को भी होय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया धन का लाभ हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पापी व्यक्ति को भी धन मिल सकता है, पूर्व पूर्व जन्मों में मान लो कोई पुण्य कर्म किया होगा जिसके फलस्वरूप इस जीवन में धन मिल गया, या हो सकता है बाप दादाओं का कमाया हुआ हो वो भोग कर रहा है, तो पैसा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पापी व्यक्तियों को भी वो प्राप्त हो जाता है। यदि कोई प्रश्न करे कि एक सुंदर स्त्री से विवाह हो गया वो बड़े भाग्य की बात है, बोले नहीं वो भी कोई बड़ी बात नहीं, आज्ञाकारी यदि पुत्र पुत्री ये प्राप्त हो जाए घर में, बड़े आज्ञाकारी बच्चे हो तब बड़ा अच्छा दिवस है, तब बड़े भाग्यवान हैं हम, बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है। आप लोगों ने रावण का नाम सुना होगा, है ना, रावण के विषय में जानते हैं ना, आज रामनवमी है, प्रभु राम ने प्रकट होकर रावण का वध किया था, है ना, किस प्रकार आपने पूरी रामलीला देखी होगी। तो रावण के पास में क्या नहीं था, आज एक साधारण व्यक्ति की जो वांछा होती है, रावण के पास में बहुत सारा पैसा भी था, सोने की लंका थी, पूरी सोने की लंका, हमारे पास में कितना सोना होगा विचार करके देखो, 1 किलो 2 किलो 10 किलो इससे ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन रावण की पूरी लंका ही सोने की थी, पूरी लंका सोने की। और यदि प्रश्न करें कि उसकी स्त्री, उसकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम था मंदोदरी, मंदोदरी का अर्थ बतलाया है मंद अर्थात पतली, और उदर मतलब कमर, वो विश्वकर्मा की पुत्री थी, बड़े सुंदर सुंदर गुण देकर उसको विश्वकर्मा ने बनाया था, बहुत ही सुंदरी थी, और एक नहीं उसकी कितनी सारी पत्नियां थी, लेकिन तब पर भी क्या वो सुखी था, क्या वो सुखी था, उसका पुत्र कौन था, पुत्र मेघनाद, इतना आज्ञाकारी बेटा था, उसे पता था कि लक्ष्मण के हाथों मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये साक्षात भगवान है, लेकिन तब पर भी पिताजी की आदेश पालन करने के लिए उसने क्या किया, युद्ध करने के लिए चला गया। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र आज के समय पर देखने को नहीं मिलेगा जो अपनी जान भी दांव पे लगा दे माता पिता के लिए, लेकिन उसने क्या किया, ये कर लिया। लेकिन इतना अनुकूल होने पर भी, बहुत सारा पैसा होने पर भी, सुंदर पत्नी होने पर भी, आज्ञाकारी बच्चा होने पर भी, जब वो शिवजी से प्रार्थना करता था उसकी एक ही प्रार्थना रहती थी, हे भोले बाबा कदा सुखी भवामी अहम, मैं कब सुखी हो पाऊंगा, कब मुझे सुख की प्राप्ति होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि भैया पैसा सुख नहीं दे सकता, पैसा सुख नहीं दे सकता, सुंदर स्त्री संपूर्ण रूप में सुख नहीं दे सकती, आज्ञाकारी बच्चे भी सुख नहीं दे सकते। बोले कहां फिर सुख कहां है, आप तो सब जगह मना कर रहे हो,
कहते हैं यदि कोई भगवान का भजन करे तब जाकर वो सुखी हो सकता है। इसीलिए भगवान का भजन करने का मूल स्रोत क्या है? बोले भैया साधु संग करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। आज देखो हमें साधु संग प्राप्त हुआ है ना, हरि कथा मिल रही है, साधु के मुख से सुनने को हरि कथा मिल रही है। सच में विचार करना चाहिए, आज ही हमारा सौभाग्यवान दिवस है, आज ही हमारे लिए विशेष दिन उपस्थित हुआ है। और विशेष करके आज भगवान राम की आविर्भाव तिथि, भगवान की आविर्भाव तिथि, आज के दिन ही भगवान अयोध्या में प्रकट हुए थे ना, प्रकट होकर उन्होंने कौशल्या के गर्भ को धारण करके आज के दिन ही प्रकट हुए थे प्रभु। तो आज विशेष करके रामनवमी तो हम लोग मनाते हैं, लेकिन भगवान राम ने जो सारी शिक्षाएं दी है, भगवान राम के जीवन आचरण को देखकर जिस प्रकार की हमें शिक्षा लेनी चाहिए वो मूल विषय है। भगवान राम के आविर्भाव की जो कथा है वो सब आपने सुनी भी होगी, है ना, टीवी में भी देखी होगी। लेकिन प्रभु राम जब आए थे, हमारे भक्ति विनोद ठाकुर वो अपने कीर्तन में कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी। बंगला कीर्तन है, इसके अंदर कहते हैं कि भैया भगवान जब अवतीर्ण होते हैं ना उस समय पर वो अपने परिकरों को अपने धाम को लेकर आते हैं। प्रभु राम जब आए थे कौशल्या मैया उनकी नित्य माता है ना, सीता जी उनकी नित्य पत्नी है, लक्ष्मण पर शत्रुघ्न ये सब उनके परिकर है, रावण इत्यादि जिन असुरों को भी मारा वो भी उनके परिकर है। तो भगवान जब आते हैं, जैसे ड्रामा टीम देखी है ना रामायण के, जो रामलीला होती है, रामलीला में कोई राम बनता है कोई रावण बनता है, उनकी पूरी टीम होती है, वो टीम कहीं पे जाती है वहां पे अपना ड्रेस पहन के और वहां पर एक्ट करना चालू कर देती है। उसी प्रकार भगवान राम की भी पूरे अपने परिकर है, वो जब इस धराधाम पर लीला करने के लिए आते हैं तो अपने परिकरों को लेकर आते हैं, लीला समाप्त हुई और वापस चले जाते हैं। इसीलिए प्रभु राम ने विशेष कर किसी का उद्धार नहीं किया, अपने परिकरों को लेकर आए थे, उनके साथ में लीला करी और चले गए। लेकिन हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए प्रभु राम ने क्या किया, उन्होंने दो चीजें करी। क्या बोले, उनके जीवन में जो आचरण करके शिक्षाएं दी है वो एक चीज, और विशेष करके भगवान का नाम। भगवान हमारा उद्धार डायरेक्ट रूप में नहीं करेंगे, इनडायरेक्ट रूप में करेंगे। कैसे, बोले भगवान के नाम से, है ना, साक्षात प्रकट होकर जिस प्रकार रावण को मार दिया, रावण को मार के उसको मुक्ति प्रदान करी, लेकिन उस रूप में हमारा उद्धार नहीं करेंगे, उन्होंने उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनका नाम देकर गए हैं। एक बार सभी हाथ उठाकर बोलिए, बोला हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ये भगवान का नाम, ये इतना दयालु है, ये भगवान का नाम इतना कृपालु है। आपने एक भजन सुना होगा हरी से बड़ा, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। देखो रामायण देखी है ना आप लोगों ने, जब प्रभु राम उनको समुद्र पार करना है, अशोक वाटिका में मैया सीता है, उनकी खबर मिल गई है अभी समुद्र पार करके लंका की ओर विजय करनी है, लेकिन प्रभु राम को सेतु बनाने की आवश्यकता पड़ी है ना। देखा होगा आपने किस प्रकार रा और म दोनों पत्थरों पर लिखकर नल नील जब उसको पानी में फेंक रहे हैं, तो भगवान नाम की इतनी महिमा है कि पत्थर भी पानी में तैर रहा है। पत्थर कभी पानी पर तैरता है? कोई भी भारी वस्तु होगी पानी में डूब जाएगी, लेकिन प्रभु राम के नाम की इतनी महिमा, पत्थर भी आज तैरने लग गए, है ना। भगवान राम को वो पुल बनाने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन हनुमान जी जब पार करके गए थे समुद्र, क्या उनको पुल की जरूरत पड़ी थी? क्या उनको पुल की जरूरत पड़ी थी? उन्होंने तो बस एक बार जय श्री राम भगवान का नाम ले लिया और छलांग मार के वहीं से पार हो गए, है ना। इस भजन के अंदर बताते हैं कि भैया जिस सागर को लांग सके ना बिना पुल के राम, जिस सागर को पार करने के लिए प्रभु राम को भी सेतु की आवश्यकता पड़ी, लेकिन वही सेतु को हनुमान जी ने अनायास ही केवल मात्र प्रभु का नाम लेकर पार कर गए। इतनी शक्ति प्रभु के नाम में। श्रीमन महाप्रभु बड़े सुंदर रूप में कहते हैं, देखो नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव दृश्यमिह जनी नाना अनुराग। बहुत ध्यान देकर सुनिए, यहाँ पर हमारे लिए कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं श्रीमद् महाप्रभु। कहते हैं कि मैंने अपने नामों में सारी शक्ति प्रदान कर दी। अगर मैं, जैसे आपका नाम क्या है प्रभु जी? राहुल। अगर मैं राहुल को यहाँ पर किसी, यहाँ पर राहुल यहाँ बैठा है, मैं किसी और जगह पर अगर राहुल का नाम लूं
राहुल वहां पर एकदम से उपस्थित नहीं हो सकता, है ना। राहुल में और उसके नाम में फर्क है, लेकिन भगवान में और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है। भगवान में और उनके नाम में कोई फर्क नहीं। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उसने भगवान का नाम ही तो पुकारा था, भगवान का नाम ही तो पुकारा था ना। दोनों हाथ उठाकर पूर्ण रूप में शरणागत होके, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारी। जब द्रौपदी ने भगवान का नाम पुकारा, भगवान थे द्वारका में, कहां हस्तिनापुर कहां द्वारका, इतना दूर से प्रभु हठात वहां पर उपस्थित हो गए और द्रौपदी की रक्षा करी, द्रौपदी की लाज बचाई। पानी में डूबते हुए उस हाथी ने भगवान का नाम ही तो पुकारा था, है ना। भगवान वहां अपने वैकुंठ धाम को छोड़ के और उसकी रक्षा करने के लिए उपस्थित हुए। तो भगवान में और उनके नाम में कोई फर्क नहीं है। संपूर्ण शक्ति भगवान ने अपने नामों में दे दी। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, संपूर्ण शक्ति उन नामों में विराजमान है। और उसके बाद में और एक नियम बोले, क्या बोले, तत्रापि नियमित स्मरणे न काल। मैंने ये भी नहीं कहा कि मेरा नाम केवल मात्र तुम सुबह सुबह ही जप करना, ब्रह्म मुहूर्त में जप करना, या त्रिसंध्या समय पर ही जप करना, या फिर स्नान करके ही जप करना, है ना। भगवान ने क्या कहा, कोई नियम नहीं रखा भगवान का नाम जप करने के लिए। सोते खाते उठते बैठते जिस भी समय मेरा नाम लोगे तभी कल्याणकारी है। लेकिन हम इतने दुर्भाग्य जीव हैं, हमारी फिर भी भगवान के नाम में रुचि नहीं होती। और दूसरी सारी बातों में तो बड़ी रुचि होती है। अगर महिलाएं कुछ इकट्ठी होकर बैठ जाए, इधर उधर की चर्चा में कितने घंटों घंटों बीत जाएंगे पता नहीं चलता। मोबाइल लेकर बैठ जाओ, इंटरनेट सर्फिंग करते करते कितने घंटों बीत जाएंगे। टीवी देखते देखने के लिए बहुत टाइम है। लेकिन यदि कहो भगवान का नाम थोड़ा जप करो, माला थोड़ी सी जप कर लो, उसके लिए हमारे पास में समय नहीं होता, है ना। ये मन हमारा कितने तरह के बहाने बना देता है, बोले हमारे पास में ये काम है वो काम है। तो वो सब यहाँ पर श्रीमद् महाप्रभु कहते हैं कि बताओ ऐसे दुर्भाग्य जीव का और कल्याण कैसे होगा। हमारे लिए कह रहे हैं, हम जो पतित जीव जो भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते, भगवान ने दया करके मानव शरीर प्रदान कर दिया और ये जीवा भी दे दी। ये जीवा श्री शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि भैया अगर इस जीवा से भगवान का नाम नहीं लिया तो ये मेंढक की तरह टर-टर करना कोई लाभ नहीं देगा। बारिश के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा मेंढक कैसे टर 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 करता है। उस समय पे क्या होता है, सांप सोचता है कि भैया मेरा आहार मुझे बुला रहा है, मुझे और खाना खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सांप क्या करता है, वहीं से आता है और पीछे से उसे ग्रास कर लेता है, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं श्री सुत गोस्वामी, जिह्वा असति दारदूरी के सूट, अरे उस मेंढक की तरह टर टर करना बंद कर दो, नहीं तो एक दिन काल रूपी सर्प आकर आपको ग्रास कर लेगा और ये मानव जीवन विफल हो जाएगा। ये जिह्वा की सार्थकता इसी में है यदि श्वास श्वास पे भगवान का नाम उच्चारित हो। हर समय यदि भगवान का नाम यदि हम करें, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ये जिह्वा की सार्थकता इसी में है यदि इससे हम भगवान का नाम जप करें। भगवान के नाम इतना कल्याणकारी है, प्रभु राम ने जिन जिन का कल्याण नहीं किया उनको उनका नाम तारने के लिए उपस्थित है। ये नाम प्रभु हमारे जैसे बद्ध जीवों का कल्याण करने के लिए उपस्थित है, लेकिन यदि कोई श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करे, यही एकमात्र शर्त, यही एकमात्र शिक्षा। इसलिए आज रामनवमी है, हम ज्यादा कुछ करें ना करें लेकिन भगवान का नाम अपने जीवन में उतारे, केवल मात्र यही एक शिक्षा अगर ले लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। ठीक है, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोगों ने कोई ताली नहीं हो जाए, बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले श्री पवन सुता हनुमान राम लखन भरत शत्रुघ्न की जय, बोले श्री अयोध्या धाम की जय, बोले श्री दशरथ महाराज की जय, बोले श्री कौशल्या चैत्री सुमित्रा देवी की जय, जय जय श्री राम। ओम ज्ञानमिदं ज्ञानाञ्जन सलकया चक्षोरुद्भूतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्रियाद्वैतगदाधर त्रिवासादि गौरभक्तवृन्द नमः। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोल बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमल में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृद्ध चरण में यथा युद्ध प्रणाम। हरे कृष्ण। आज हम लोग का बहुत बहुत बढ़िया दिन है। आज भगवान श्री राम नवमी को उपलब्ध करते हुए हम सबके सब यहाँ पर उपस्थित हुए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब भागवत का दसम स्कंध शुरू करते हैं, कहते कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्ञां च भयवंशानां चरितं परमात्मतम। मतलब है कि भागवत में दो वंशावली वर्णना की गई, एक चंद्र वंश और एक सूर्य वंश। यद्यपि ये चंद्र और सूर्य वंश में बहुत बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन श्री चंद्र वंश को धन्य करने वाले कौन है? बोले हमारे श्री भगवान कृष्ण कन्हैया। बोले रे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और चंद्रवंश में जितने बहुत राजा लोग आए हैं, लेकिन चंद्रवंश में जो सबसे जो प्यारी कथा, सबसे जो सुंदर कथा किसकी है? सूर्य वंश में। बोले भगवान श्री रामचंद्र। हमारे हिंदू धर्म में विशेष करके जो राम और जो कृष्ण है, इनकी जितने सुंदर शिक्षा, जितने सुंदर लीला है और इतने सुंदर लीला शिक्षा किसी ने और दिया है। देखो हमारी सनातन ही ऐसे एक धर्म है जो कि ये साकार की उपासना करने वाले और जितने सब संप्रदाय सब निराकार निराकार करने वाले। मुसलमान का मंदिर में जब कोई ठाकुर मिलेगा कोई मिलेगा? क्रिश्चियन के मंदिर में जब कोई ठाकुर मिलेगा कोई यीशु कृष्ण और कुछ? लेकिन केवल हमारी सनातन धर्म ही, जो हिंदू धर्म है सनातन धर्म है, इसी में ही केवल हमारी भगवान बारंबार आते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानव धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण क्या कह रहे? बोले हे अर्जुन, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब जगत में है धर्म की नष्ट होने लग जाता, अधर्म बढ़ने लग जाए, गो ब्राह्मण गो और स्त्री पृथ्वी स्त्रियों के ऊपर अत्याचार होने लगता है, तब तक मैं क्या करता हूँ? मैं स्वयं जगत में अवतीर्ण होकर के भक्तों को रक्षा करता हूँ, तो मैं विनाश करता हूँ। देखो हमारे जो भगवान राम है ये कौन है? ये मर्यादा पुरुष, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। अगर भगवान राम नहीं आते, भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए? उन्होंने शिक्षा दिया है। कहते इसलिए भगवान के राज्यों को कहते थे अवध अयोध्या, मतलब दिया है। बोले जहाँ पर अवध मतलब जहाँ पर कोई नहीं मरते थे, हाँ अयोध्या मतलब जहाँ पर कोई युद्ध नहीं होता है। अगर भगवान राम ने जो शिक्षा दिया है ना, अगर ये शिक्षा को अगर हम ग्रहण कर लिया ना, हमारी घर ही अयोध्या और घर ही अवध हो जाएगा। घर में युद्ध लड़ाई नहीं होगी, युद्ध लड़ाई नहीं होगी। अभी घर घर में क्यों लड़ाई? संपत्ति को लेकर है ना। लेकिन देखो हमारे घर में संपत्ति को लेकर लड़ाई, सारी संपत्ति का मालिक मैं बन जाऊं, लेकिन देखो चार ही भाई होता। भगवान स्वयं भरत को राज्य दे रहे हैं, लेकिन भरत क्या राज्य ले रहा है? माता जी भी मांग लिया, लेकिन भरत ने कभी लिया है? माता जी को क्या बोले? बोले अगर प्रभु राम अगर नाराज नहीं होते ना, तेरे सर को मैं काट देता। आज से मैं तुम्हें मां कभी नहीं बोलूंगी, तेरे को हर समय देखना
महारानी कहते क्या कर तुम जितने तुम्हें मां नहीं बोली क्यों मेरे प्रभु को तुमने बनवास दे दिया तुमने मेरे प्रभु को। देखो लक्ष्मण जैसे भाई को देखो भगवान राम की उन्होंने कितना सेवा की बच्चा जैसे अभी जन्म में ऐसे कोई भाई मिलेगा कोई ऐसे भाई मिलेगा कोई भाई मिलेगा लक्ष्मण जैसे भाई मिलेगा भैया। इसलिए भगवान क्या शिक्षा देते हैं भाई भाइयों में प्रेम कैसे होनी चाहिए। और दूसरी क्या है कहते एक बेटा का पिता की प्रति क्या कर्तव्य है एक बेटा की पिता का प्रति क्या कर्तव्य होनी चाहिए कहते ना रघु कुल रीति सदा चली जाई प्राण जाए भरो बचन न जाए है। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी को किसने बोले ध्यान देकर सुना हमारे बड़े गुरु जी को किसने बोले गुरुदेव बच्चे बात नहीं सुनते इधर इधर की कहानी बच्चे क्या नहीं सुनते बच्चे बात नहीं सुनते। देखो बड़े गुरु जी क्या बोले बोले बेटा रामायण पढ़ते हो बच्चों को कभी रामायण पढ़ाया है बोले नहीं बोले जो रामायण पढ़ेगा नहीं बच्चों को नहीं पढ़ाएगा बच्चे तो ही करेंगे। कहाँ पर बताया गया पिता माता की सेवा करनी चाहिए कौन सा ग्रंथ बताया स्कूल कॉलेज में पढ़ाई होता है ये रामायण सिखाता है प्रात ओ हरि रघुनाथा और मात पितु गुरु नमः माता। सबसे पहले भगवान उठ करके पिता माता के चरण सोते थे रामायण देखे है ना जब दशरथ महाराज सहित करते हैं भगवान स्वयं राम चरण की सेवा करते हैं। बताओ यहाँ पर कितने लोग जब सवेरे उठ करके सास ससुर पिता माता के चरण सोते हो क्यों कारण क्या बोले हम रामायण नहीं पढ़ते हैं रामायण हम नहीं पढ़ते हैं। इसलिए भगवान ऐसे आदर्श रख करके ठाकुर जी करे ना अगर वो आदर्श का अगर कोई जीवन में पालन करे तो वो घर ही अयोध्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा बोलो क्या बन जाएगा कभी घर में लड़ाई झगड़ा होगी नहीं कभी हो ही नहीं सकती घर में लड़ाई झगड़ा। अगर भगवान राम का आदर्श को अगर कोई ग्रहण करे तो इसलिए क्या करनी चाहिए सबरे उठ करके सबसे पहले अपना पिता माता की चरण छूनी चाहिए। आप देख लेना जब पिता माता की चरण छूते है ना कोई छू ले सास ससुर की देखना हृदय से अपनी आप अपना हृदय से उसके प्रति सद्भावना कर रखो आशीर्वाद देने की नहीं किसी बड़े बूढ़ों को चरण छू लो अब देखना कितने फलते फूलते रहो तुम्हारे घर हमें भरपूर हो जाए। हृदय से अपने आप हृदय से ना आशीर्वाद अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा किसी बुजुर्ग को अगर प्यार आप सुन लो तो पता कि नहीं यदि पिता माता की ऐसे कृपा है ना अगर ये ललाट में अगर तुम्हारी कोई उल्टा पुलटा चीज हो अगर कोई पिता माता की चरण छुए पिता माता हृदय से आशीर्वाद देना ये भाग्य लेखक काट देते हैं गलत अगर कोई चीज हो इतने महिमा पिता माता की चरण की छुने का। इसलिए देखो आज भगवान राम जन्म हुए ना एक चीज यहाँ से लेकर जाओ क्या करो सवेरे उठ करके बड़े बूढ़ों को चरण छुड़ो जो बहू होगी सास ससुर की जो सास ससुर होगी क्या किसकी। इसलिए जब पिता बच्चे होंगे पिता माता की चरण छुननी चाहिए भगवान शिक्षा दे रहे ना भगवान शिक्षा दे रहे ना इस सब चीज को। इसलिए भाई भाई में कैसे हो पति पत्नी में कैसे प्रेम होनी चाहिए बहू बहू में कैसे प्रेम होनी चाहिए अपना परिवार में कैसे प्रेम होनी चाहिए कौन शिक्षा दिया है भगवान राम शिक्षा दिया है। केवल हमारी सनातन धर्म है ऐसे ही हमारी हम लोग बड़े भाग्यवान हैं हम लोग और किसी जात में जन्म नहीं लिए कोई क्रिश्चियन कोई बौद्ध कोई इधर उधर है मुसलमान कुल में जन्म नहीं लेकिन कौन सा कुल में जन्म हुए सनातन हिंदू धर्म में जन्म हुए ना इसीलिए केवल हमारी भगवान ऐसे हुए कृष्ण राम हुए जो अपना जीवन में सब धर्म में निराकार निराकार है लेकिन हमारी धर्म में भगवान स्वयं जन्म ग्रहण करके जगत को शिक्षा दे करके ठाकुर जी गए। अगर जीवन में सुख शांति में रहना चाहते तो क्या करो भाई भाई में इससे प्रेम हो बहु बहु में इससे प्रेम हो पिता माता की चरण की सेवा करो। और भगवान राम आप बताओ पिता माता के आदेश पालन करने के लिए कितना दिन जंगल में गए थे बोलो 14 साल गए थे। अब अपना बेटे को बोलो तो बेटा भगवान राम तो 14 साल के लिए वनवास गए थे ठाकुर को
पिता की सेवा के लिए, तो चौथे दिन के लिए पिता माता के आदेश पालन करने के लिए किसी काम पर जाओ, बताओ तुम्हारे बेटा जाएगा कि वो हनीमून मनाने के लिए जा सकता है चौथे दिन, लेकिन पिता माता की सेवा करने के लिए नहीं जाएगा। इसमें गलती किसका है? पिता माता, और किसी की दोष नहीं। ये हमारे गुरु जी कहते हैं, हमारे गुरु जी कहते थे। किसने बोला ना गुरु जी बच्चे बात नहीं सुनते? गुरु जी बोले बेटा रामायण पढ़ते हो, बच्चे को कभी रामायण पढ़ाया? बोले नहीं। बोले जो पढ़ाएगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, बोले खुद पढ़ते हो क्या? बोले नहीं। बोले पढ़ाते? बोले नहीं। बोले इसका दंड तो तेरे को भोगना पड़ेगा। लेकिन बच्चे को स्मार्टफोन दिया कि नहीं? बोले हाँ स्मार्टफोन 10-20 हज़ार पबजी देख दिन भर, हाँ दिन भर पबजी और कार्टून उल्टा पुल्टा सिनेमा देखते रहे। गुरु जी कहते थे बोले सब हमारी दोष है, सबसे पहले घर में पिता माता को सुधरना पड़ेगा। कि तो पहला गुरु कौन है? माता पिता। पहले गुरु माता पिता, सबसे संस्कार माँ की संस्कार बढ़ती बच्चे को पड़े, सबसे पहले संस्कार माँ की। अगर माँ अगर गले में कंठी धारण करे, तिलक लगाए, हरिनाम कर देना, बच्चा अपने आप करना शुरू कर देगा, क्योंकि पहला संस्कार तो माँ पिता से बढ़ेगा। इसलिए क्या करो, क्या करो, गले में कंठी धारण करो, तिलक लगाओ, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, और बच्चों को पढ़ो भी ये संस्कार डालो। देखो हम तो दिल्ली तरफ में प्रचार करने जाते हैं, शुक्रवार को ये मुसलमान भाई लोग, हम सोच नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चों को टोपी पहना करके रोड जाम करते शुक्रवार का दिन, गाड़ी बंद हो जाती है उनके लिए वजह से। जब ये नमाज पढ़ते हैं बच्चे को, मैंने किसी 7 साल बच्चे को पूछा तेरे कुरान आता है? मुसलमान छाती खुला कर बोले मेरे को कुरान आती है। बोले बोलो तो, कुरान बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भैया तुम्हारे धर्म में कितने साल उम्र में सिखाए जाते हैं? बोले मुसलमान धर्म में कंपलसरी 2 साल उम्र में उसको कुरान पढ़ना पड़ेगा, कंपलसरी कुरान पढ़ना पड़ेगा। हम हिंदू से पूछते हैं क्या तुम कभी अपना बच्चे को बोले गीता का एक श्लोक पर, रामायण का एक चौपाई पर? बताओ कौन अपना बच्चे को सिखा देता? जितना हीरो हीरोइन का नाम कुछ सब याद हो सारे कंठस्थ पूरा, लेकिन किसी, इसलिए हमारी धर्म क्यों घटते हुए जा रहा है? देखो अगर हम जागृत नहीं रहेंगे ना, आपको ये हिंदुस्तान में मुसलमान लोग रहने नहीं देंगे, एक दिन खदेड़ देंगे तुमको यहाँ से। जैसे एक एक देश को धीरे 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 वो लोग ने क्या कर रहे हैं, धीरे 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 ग्रास करते हुए जा रहे हैं, ग्रास करते हुए जा रहे हैं, धीरे धीरे एक देश को दखल करते हुए जा रहे हैं, एक एक करके उसको संख्या बढ़ाते बढ़ाते। और यहाँ भी हमको सुनने नहीं देंगे, यहाँ से भी खदेड़ देंगे घर से तुमको। एक हमारे साथ यूट्यूब पर देखे भैया ये कहते हैं मुसलमान लोग को जो ये अपना नमाज नमाज जो पढ़ते हैं उसमें ऊपर माइक लगाते हैं ना, माइक लगाते हैं आजाद। एक बोल रहे थे क्यों उसको ऊपर माइक लगा रखे, बोले एक दिन जितने हिंदू लोग बढ़िया बढ़िया घर बना रहे ना, एक दिन ऐसे आवाज लगाएंगे सब हिंदू को खदड़ाएंगे और घर में जो जबरदस्त तक लग रहे, क्योंकि हिंदू तो एक दो से बच्चा ज्यादा कर नहीं रहा, उनका तो कोई कंट्रोल नहीं, वो तो ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, सबसे सब ग्रास कर ले खदड़ देंगे तुम जो बढ़िया बढ़िया घर बना रहे। इसलिए अगर हम जागृत होना चाहते क्या करो, खुद पहले भगवान की भक्ति करो, पहले खुद करो, पहले खुद हरिनाम करो, भजन करो, बच्चों को फिर बच्चों को शिक्षा दो। बच्चे बड़े अपने एक आप स्कूल जाने से पहले एक माला जप करके जाओ, क्या करो, नहीं तो रामायण का 2 चौपाई पढ़ करके जाओ, नहीं तो हिंदू धर्म का भगवत गीता को पढ़ करके जाओ। कौन करेगा अपना हाथ उठा लो, कौन कर सकता है? ये बात वो करोगी नहीं बोला, अरे बोलो चुप क्यों से हो गए हो, नहीं करोगे आप लोग, नहीं नहीं करोगे, बच्चों को जितने उल्टा पुल्टा चीज सिखा देंगे तो हमारे धर्म बढ़ेगा कैसे बोलो। इसलिए आज भगवान राम जन्म हुए ना, भगवान राम जन्म हुए ना, कम से कम पुस्तक लेकर के जाओ, प्रभु राम से कुछ सिखा लेकर के जाओ, कम से कम बड़े बूढ़ों का आदर करो, पिता माता की सेवा करो, भाई भाई में हमारी प्रेम, भाई भाई में हमारी प्रेम हो, भक्ति भावना हो, तभी तो हमारी घर अयोध्या बनेगा ना। अरे अयोध्या कैसे घर बने सकती है?
ठीक है ना, हाँ सब शिक्षा में लेकर जाओ, पहले हरिनाम करो, भजन करो, बच्चों को भी अंदर भी ये अच्छे संस्कार डालो, ठीक है। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। रामायण का एक ही कथा हम सुन लेते हैं, ठीक है। भगवान राम सीता का कैसे साथी बनी है उसकी प्रश्न में सुन लेते हैं। बोले सबसे दशरथ महाराज घर में सारे सुख था, लेकिन एक ही दुख था, घर में कोई संतान नहीं। बोले दुख क्यों थे, एक घटना बताए। इनका नाम था दशरथ, क्या नाम था, मतलब क्या है, जिनको दस दिशाओं में रथ चलता है, इसलिए इनका नाम दशरथ। दशरथ महाराज इतने प्रतापी थे, नियम है जब कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करे तब उसको इंद्र सिंहासन के प्राप्त हो। कितने 100 और एक अश्वमेध यज्ञ करना बड़ा कठिन, लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ अगर ठीक करे। लेकिन सिर्फ दशरथ महाराज इतने प्रतापी थे, जब ये स्वर्ग में जाते थे इंद्र स्वयं आधा आसन इनको दे देता था। जब उन्होंने कभी देवासुर में संग्राम हुई तो इन्होंने देवता का पत्थर लेकर के दैत्यों को उन्होंने परास्त किया था, इसलिए इंद्र इनको अपना ऋण मानता था, इसलिए जब जाते थे आधा आसन दे देते। एक दिन फिर जब जाते थे उनको गले में स्वर्ग में एक फूल है जिसका नाम पारिजात पुष्प, ये केवल स्वर्ग में ही उपलब्ध, कहीं उपलब्ध नहीं। लेकिन जब स्वर्ग में जाते थे उनकी गला में एक पारिजात पुष्प इंद्र गले में पहनाया करते थे। जब वो वापस आते थे और दशरथ महाराज वो फूल की माला लेकर आते थे, क्योंकि इस जगत में वो फूल नहीं होता, वो केवल स्वर्ग में। और बोलते थे अपना पत्नियों को, देखो मैं स्वर्ग में गया था, इंद्र ने मेरे को गले में ये माला डाली, लेकर आते थे। एक दिन क्या हुआ, गए उनकी गला में माला में डाली, जैसे गले में माला डालते पर आप क्या करते हैं, उतार करके रख लेते हैं, उन्होंने रख लिया। लेकिन जब वापस आया ना उनको लाना भूल गए। जब थोड़ी दूर भाई याद आया, अरे जाते ही तो पत्नियां बोलेगी और भाई जा फूल की माला कहाँ है, फिर वो वापस गए। जब वापस गए जिस सिंहासन में दशरथ महाराज बैठे हुए थे, देखा वो सिंहासन को साफ सुथरा कर रहे थे, तब उन्होंने पूछा भैया साफ सुथरा क्यों कर रहे हो, तब उन्होंने वहां पर इंद्र बोले महाराज आप बुरा मत मानो, क्योंकि आपकी संतान नहीं, आप निसंतान, इसलिए सिंहासन में बैठे मतलब है ये सिंहासन अपवित्र हमारी हो गया है, अब बुरा मत मानो। दशरथ महाराज इतने दुखी हुए, कहते कहां मेरा नाम दशरथ है, 10 दिशाओं में मेरे रथ चलता, इतने प्रतापी, लेकिन इस संतानहीन होने का नाते इतने दुर्दशा, इतने पापी में। इसलिए उन्होंने आकर के वशिष्ठ को बोले, अब तुम जानते हो, फिर उन्होंने निश्चय से मुनि बोले ऐसे व्यक्ति को जरा यज्ञ करना पड़ेगा जो 8 तरह का वैकुंठ से वो ऊपर हो, वही व्यक्ति अगर यज्ञ करेगा जिससे खीर निकले अगर खिलाओ तो रानियों को क्या होगा, फिर संतान जन्म हो सकते हैं। फिर उन्होंने पुत्र से यज्ञ करवाए, वहां से चरु निकला और उन्होंने 3 रानी को उन्होंने बांट करके उन्होंने चरु खिलाए, और उपजुल तो होने पर भगवान स्वयं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूप में ठाकुर जी जन्म ग्रहण किए। बोले श्री राम लाला की, जोर से बोलो, बोले श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की। जब 4 बच्चों ने जन्म लिए, दशरथ महाराज का घर चिंता से भर हो गया, और नाम क्या रखा, बड़ा बेटा का नाम रखा राम। बोले राम मतलब क्या, बोले रमन से योगी नाम अनंत से सत्यानंद चिदात्मनी, बोले जो योगी लोग जिसको हर हृदय में जिस प्रभु के हृदय में ध्यान करते हैं। दूसरे बेटे का नाम रखे भरत, बोले भरत का नाम क्यों रखा, बोले विश्व ब्रह्मांड को भक्ति को द्वारा जो भर देगा इसलिए उनका नाम रखा भरत। तीसरे बेटे का नाम रखा लक्ष्मण, बोले लक्ष्मण मतलब क्या, बोले लक्ष्मणम लक्ष्मी वर्धनम, ये लक्ष्मण क्या कहते हैं, लक्ष्मी को बढ़ाने वाले, बोले कौन सा लक्ष्मी को, बोले ये भक्ति रूपी लक्ष्मी को जो बढ़ाने वाले, क्योंकि ये जीवाचार्य,
ये गुरु जी है। और चौथा बेटे का नाम पढ़ लिया क्या, शत्रु न, जो शत्रु को ऊपर में विजय प्राप्त करे। इसलिए ये चार संतान हुए और उन्होंने 64 दिन में उन्होंने 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन करके वापस आए। जब वापस आए इतनी विश्वामित्र जी आए और श्री दशरथ महाराज से प्रार्थना किया, भले हम लोग यज्ञ करते हैं राक्षस लोग का आकर के बीच में यज्ञ में ज्येष्ठा पुत्र को विसर्जन कर देते हैं और वहां पर हमें यज्ञ करने नहीं देते हैं, अगर आपकी इच्छा हो राम लक्ष्मण का हमारे साथ में भेजो, हम चाहते यद्यपि हम राक्षस को मार सकते हैं लेकिन यज्ञ में जब हम बैठते हैं संकल्प को लेकर के, अगर हम क्रोध दिखाए ना यज्ञ का फल नहीं मिले, हम चाहते हैं ये जस राम लक्ष्मण को मिले। तो उन्होंने राम लक्ष्मण को लेकर के जाते हैं और उन्होंने वहां पर उन्होंने यज्ञ को उन्होंने पूरी किया। जब यज्ञ को पूरी किया श्री विश्वामित्र जी बोले देखो एक यज्ञ तो तुम दोनों ने पूरी की लेकिन और भी यज्ञ हो रही है। बोले कहाँ, बोले मिथिला पूजा। वहां पर श्री जनक महाराज एक यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ को तुम ही पूरी करना पड़ेगा। जब उन्होंने जनकपुरी जा रहे थे बीच में अहल्या गौतम की अभिशाप से पत्थर जन्म पत्थर रूप में बनी थी लेकिन भगवान राम उनको भी चरण स्पर्श करके माता अहल्या को भी उन्होंने उद्धार किए। उद्धार करते हुए जब श्री जनकपुरी में पहुंचते हैं, जनकपुरी में पहुंचते ही जनक महाराज पहले बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, भगवान को पहले ये निराकार मानते थे, भगवान का आकार नहीं रूप नहीं गोण नहीं मिला नहीं। लेकिन जब जनक महाराज श्री राम लक्ष्मण को देखे, गोस्वामी जी कहते हैं बले नहीं बिलो कत आते हर सीता परवस ब्रह्मा सुखाए मन त्यागा। अभी तक तो भगवान को निराकार निराकार बोलते थे लेकिन जब राम लक्ष्मण को देखे ना, वो देख करके इतने प्रसन्न हो गए, जिनको दर्शन करते ही जिनके हृदय से अपनी आप ये निराकार भाव खत्म, अब प्रभु राम में ही मन डूब गया। वो समझ गए कि जो राम है ये कौन है, ये ब्रह्मा नहीं ये परम ब्रह्मा है, क्योंकि मेरा मन तो निराकार निराकार में डूबा हुआ था लेकिन इसको दर्शन करके निराकार खत्म, इनको सही अपना मन रम गया है। जब इनको देखा प्रभु इतने सुंदर थे राम लक्ष्मण, इतने सुंदर थे देखने में, एक गौर रंग के और एक श्याम रंग के, इनको दर्शन करते ही देखो मन में भावना आई। उन्होंने विश्वामित्र जी को पूछा ये कौन सा वंश में आए हैं, बोले श्री दशरथ महाराज के बेटे क्षत्रिय वंश में। इतना सुनते ही जनक महाराज तो खुश हो, बोले क्यों, काम बन सकती है। अगर कोई अच्छे लड़के को देखे ना, पिता माता के मन में क्या भावना है, क्या ये दो ये क्या हमारी बेटी के लायक बनेंगे, ये इसको साथ में क्या हमारी बेटी की शादी होगी, क्योंकि उनके मन में यही चीज दिखती रहती है, क्योंकि बेटी को भी शादी के लायक ना। अब उन्होंने जाने के लिए उन्होंने धनुष यज्ञ कर रहे हैं, अरे राम लक्ष्मण को देखा इतने सुंदर देखने में अपूर्व थे, फिर जब सुना ये क्षत्रिय वंश में, फिर बोले काम बन सकती है। क्यों क्षत्रिय में, क्यों क्षत्रिय में, तो क्षत्रियो को साथ में शादी दिलाएगी ना, बोले ये काम बन सकती है। फिर सोच रहे हैं बोले काम तो बन सकती है लेकिन प्रतिज्ञा क्या है, जो धनुष को उठा लेगा, जो ये सीम धनुष को उठाएगा, वो धनुष इतना बड़ा था जिसको 400 व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाते थे, इतने बड़ी धनुष थी, हैं साधारण धनुष थी नहीं। उन्होंने प्रतिज्ञा क्यों की, ये धनुष को जो उठा लेगा उसको साथ में होगी जी, क्योंकि ये सीता एक समय गेंद खेल रही थी, खेलते खेलते से जो गेंद है ना धनुष को नीचे धस गया, इतने में माता सीता क्या की एक हाथ से उठाई और दूसरे हाथ से गेंद को निकालती। और कभी कभी कहते हैं मैया सीता जब घर पर साफ सुथरा करती थी ये धनुष को एक हाथ से उठा करके इसको नीचे पोछा लगा देती। जनक महाराज बोले भाई वाह वाह, इतने शक्ति मेरी
व्यक्ति में मतलब मेरे बेटी कोई साधारण नहीं, जिसको 400 व्यक्ति उठाने वाले एक व्यक्ति व्यक्ति को उठाए, पर समझ गए मेरी जो बेटी है ना, ये माँ लक्ष्मी साक्षात है। लक्ष्मी के बगैर इसको कोई उठा ही नहीं सकते। अब ये धनुष को नारायण के बगैर कोई उठा ही नहीं सकता, नारायण तो धनुष को उठाएगा किंतु मेरे बेटी लक्ष्मी। इसलिए अगर ये धनुष को कोई उठा लिया तो मैं क्या समझूंगा, वही नारायण है और नारायण के साथ में लक्ष्मी की शादी हो सकती है। बोले श्री सियावर रामचंद्र की जय। जोर से बोलो बोले श्री मैया जानकी की जय। अभी दशरथ महाराज फिर क्या सोच रहे हैं, बोले इतने छोटे छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे है ना, ज्यादा उम्र थोड़ी है, 8-9 साल के बच्चे, यदि इतने बड़े धनुष को उठाएंगे कैसे। फिर उनको पता चला इन्होंने सुबह तारका को उन्हें मारे और उन्होंने पुतना को भी मारे, पुतना को भी मारे। बोले मैंने भी सुना है इतने बड़े बड़े दैत्यों को मारे, भैया कहाँ बन सकता है। अभी उनको स्थान कहाँ पर दिया, जैसे कोई VIP व्यक्ति आए ना उसके लिए तो बढ़िया घर दोगे ना, रहने के लिए तो साधारण घर नहीं बढ़िया घर देना चाहिए। कहते वहां पर सबसे जो सुंदर जो बालिका थी वो माता सीता। कहते भैया सीता कौन है, ये लक्ष्मी, ये भक्ति है। भगवान की स्थान कहाँ पर होता है, भक्ति की, जहाँ पर भक्ति वहीं पर ही भगवान के स्थान, भक्ति ही उनको धारण कर सकती है। इसलिए माता सीता की जो बाग थी ना, बगीचा थी, उसी में ही श्री राम लक्ष्मण को रहने के लिए वहीं पर दी गई। जब वहीं पर दी गई इधर क्या हुआ, अभी जब राम लक्ष्मण और श्री विश्वामित्र को जब उन्होंने स्वागत की ना, उनको मंत्रिमंडल भी थे, जब मंत्रिमंडल थे इतने में पूरा जनकपुरी में हला हो गया। बोले क्या हला हो गया, बोले दो बालक ही अयोध्या से आए हैं, ये अयोध्या से दो बालक आए, क्या देखने में सुंदर है, मानव ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात काम देव ही साक्षात रूप में प्रकट हो गए। पूरा अयोध्या में हला हो गई और सारे अयोध्या वासी तरस रहे थे कब से दो बालकों को दर्शन करे, दो बालक उसको दर्शन करे। फिर सोच रहे हैं भैया ये बालक तो साधारण है, हमने सुना दशरथ महाराज का बेटा, हम तो कोई साधारण व्यक्ति है, फिर क्या उनको दर्शन कर पाएंगे। लेकिन ठाकुर जी बड़े भक्तवत्सल है, ठाकुर जी बड़े भक्तवत्सल है। इसलिए दूसरे दिन जब हुई, इतने में भगवान ने राम ने, ये भगवान अभी लक्ष्मण की इच्छा हो रही है हम थोड़ी सी ये जनकपुरी को दर्शन करें है, इतने में श्री भगवान ने राम श्री विश्वामित्र जी को गुरु जी को पास में, जब बोले गुरु जी अगर आपके आदेश हो ना, हम चाहते हैं लक्ष्मण का इच्छा है थोड़ी सी ये जनकपुरी को दर्शन करें। बोले लक्ष्मण जी की इच्छा हो रही है, बोले लक्ष्मण कौन है, बोले ये जीवाचार्य, ये गुरु जी है। बोले गुरु जी का काम क्या है, गुरु जी क्या करते हैं, गुरु जी हमें भगवान तक पहुंचाने वाले कौन है गुरु जी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ना, बिनु गुरु भवन इति तरहि न कोई, जो बिरिंचि शंकर सम होई है। जब तक गुरु जी का चरण आश्रय नहीं ग्रहण करे वो जीव कोई प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के पास में पहुंचाएगा कौन, बोले गुरु जी पहुंचाएंगे। इसलिए श्री लक्ष्मण जी, बोले लक्ष्मण की इच्छा क्या है, जनकपुरी सभी की इच्छा प्रभु राम को दर्शन करना, लक्ष्मण गुरु जी तो जीव को साथ मिलाएंगे ना। इतने भगवान राम बोले विश्वामित्र जी से, लक्ष्मण की इच्छा है थोड़ी सी दर्शन करके आए क्या जनकपुरी। इतने में श्री विश्वामित्र जी बोले दर्शन करना नहीं, क्या पूरी जनकपुरी को दर्शन दे करके आप। और दोनों भाई जब गए, अब जिस गली में जा रहे ना उसी गली में, एकदम उसी गली में हल्ला मच जाती है, बोले श्री राम लक्ष्मण की जय। जोर से बोलो बोले श्री राम लक्ष्मण की जय। अभी जितने सबके सब सखियां थी ना, सबके सब प्रभु को दर्शन करने के लिए आए। अभी झरोखे से जो दर्शन कर रहे थे तो ठीक से दर्शन कर रही थी, लेकिन छत के ऊपर में जो थी ना उनको दर्शन नहीं हो पा रहा था। बोले क्यों, बोले भगवान जो राम है ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये कभी भी सर को उठा करके चलते नहीं थे, हर समय सर को नीचा करके चलते थे हैं। इतने में जो छत के ऊपर खड़ी हुई थी सब किशोरियां,
इतने में प्रभु को तो दर्शन नहीं हो पा रहा था, इतने में उन्होंने फिर खांसी थोड़ी सी, सोच रहे थे शायद प्रभु ऊपर देखेंगे फिर दर्शन होगा, लेकिन प्रभु तो देखने वाले है ही नहीं, वो तो सर नीचा करके जा रहे। इतने में लक्ष्मण पीछे पीछे थे, लक्ष्मण गुरु, गुरु तो भगवान को जीव साथ मिलाएगा ना। इतने में लक्ष्मण बोले प्रभु जी देखो तुम्हारी जो सखिया है ना सबके सो छत पर खड़ी है, एक बार उनको दर्शन दे दो। जब लक्ष्मण बारंबार प्रार्थना की ना इतने में भगवान राम अपना सर्प उठा करके देखे, जब सर्प उठाया प्रभु का रूप देख करके जितने सबके सब वहां सखिया बेहोश हो सब बेहोश हो गई। जब उनकी होश आई ना प्रभु राम को पीछे पड़े के बोले हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो। भगवान बोले लक्ष्मण को, लक्ष्मण तेरे को पहले बोल रहा था उनको इधर उधर मत देखा करो, तू मानी नहीं, देखो ये सबके सब पीछे पड़ गए, शादी कर, तू शादी कर ले सबसे, तू ही शादी कर ले। इतने में भगवान राम बोले देखो मैं जब कृष्णा अवतार में आऊंगा तब तुम्हारी समस्त इच्छा को मैं पूरी करूंगा, अभी रामावतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम लीला कर रहा हूँ। अभी कहाँ पर आए प्रभु, आए यहाँ पर धनुष यज्ञ हो रहे थे, अरे बड़े बड़े राजा लोग वहां पर आए हुए थे, जो धनुष में प्रतिज्ञा चढ़ाएगा उसका साथ में सीता देवी की शादी होगी। सब के सब कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई टस से मस तक कोई नहीं कर पाए, कोई टस से मस तक। वहां कहते रावण भी वहां पर आया था, रावण भी कोशिश की लेकिन उसने हाथ को तो फंसाया लेकिन धनुष इतना भोजन था वो अपना हाथ को नहीं निकाल पाए, इतना बड़ा ये धनुष था। वहां पर जो कोई भी टस से मस नहीं कर पाए लेकिन वहां पर जनक महाराज बैठे हुए वो सब चीज को देख रहे थे, इनको पता है धनुष केवल एक व्यक्ति उठाएगा, कौन कौन उठाएगा, श्री राम। लेकिन जो उठाएगा ना वो तो चुपचाप बैठा था, और जो नहीं उठा पाएगा वही सब कोशिश कर रहे, जगत में यही नियम है, जो कर पाएगा तो चुपचाप रहता, जो नहीं कर पाएगा वही कोशिश कर रहे। उनको पता है, अभी वो सोच रहे हैं एक झंडा होता है, बोले झंडा कहाँ पर रहता है, बोले डंडे के ऊपर झंडा रहता है, पहले डंडा उठेगा फिर तो झंडा उठेगा। तो गोस्वामी जी कहते भाई झंडा कौन है, डंडा कौन है, बोले झंडा श्री राम है और डंडा स्वरूप श्री लक्ष्मण लाल। लक्ष्मण खड़ा होगा तो फिर आप देखने दोगे, इसलिए सोच रहे थे किसी तरह से ये लक्ष्मण को उठा फिर आप उठेंगे, बोले लक्ष्मण को कैसे उठाए। इतने में श्री जनक महाराज जी थोड़ी सी उन्होंने कठोर वचन बोल दिया, बोले लगता है ये पृथ्वी तो वीर सुन्न हो गया है, क्योंकि जो मेरी बेटी बचपन में जिस धनुष को एक हाथ में उठा लेती थी और यहाँ पर इतने बड़े बड़े राजा को दस से मस तक भी नहीं कर पा रहे, लगता है ये पृथ्वी का वीर सुन्न हो गए। इतना सुनते ही लक्ष्मण, लक्ष्मण कौन है, अनंत देव है, अनंत नाम स्वयं। कहते एक सर्प होता है मणिधर सर्प, उसका सर्प मणि रहता है, अगर ये मणि को कोई छेड़ देना है तो ये सर्प नहीं छोड़ता है, कभी खा जाएगा उसको। इसलिए अनंत देव कौन है, लक्ष्मण, बोले मणि स्वरूप कौन है, बोले प्रभु राम। अब रामायण देखे है ना, अगर थोड़ी सी कोई राम को थोड़ी इधर उधर बोले लक्ष्मण क्या हो जाता, एकदम ताव आ जाता था, उनको अंदर क्रोध आ जाता था ना। जब इन्होंने बोल दिया लगता है पृथ्वी वीर सुन्न हो गया, लक्ष्मण तो तमतमात हो गए, खड़े हो गए, बोले महाराज जनक चुप बैठो, इतने बड़ी बात पृथ्वी वीर सुन्न हो गया, आपको पता नहीं यहाँ कौन बैठे है, साक्षात मेरे प्रभु अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक बैठे हैं, ये क्या है कि सड़ा गला धनुष की बात कर रहे हो, हम तो बचपन में ऐसे कितने धनुष को तोड़ फोड़ कर दिए, हम तो बचपन में खेलते मत खेल 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 में धनुष तोड़ देते थे, कभी ये धनुष की बात छोड़ दो, मेरे अंदर में इतने शक्ति अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को एक गेंद के भांति उठा करके मैं करोड़ों पुरुषों तक जा सकता हूँ, चकनाचूर कर सकता हूँ। क्यों अनंत, लक्ष्मण कौन है, अनंत देव, अनंत देव कौन है, जो विश्व ब्रह्मांड को सर्वोपरि में एक सरस जैसे धारण करके रखे। जब इतना बोले राम बोले लक्ष्मण चुप रहो, यहाँ पर गुरु जी सामने है ना, पहले गुरु जी को तो आदेश देने दो, हाँ मेरे को पता तुम स्वयं धर्म धर हो, तुम कर सकते हो,
लेकिन ये धनुष को जो छोड़ेगा उसको साथ में तो जाने की शादी होगी ना, अगर तूल छोड़ोगे तो मेरी क्या होगी अभी, लेकिन तुम बैठ जा। अभी गुरु जी का आदेश देने दे, गुरु जी को आदेश देने दे। इतने में वो उपयुक्त समय देख करके श्री विश्वामित्र जी राम का आदेश दिया, अपने बेटा राम चाहो बेटा ये जनक महाराज का हृदय में जो ताप है ये ताप को दूर करो। अभी माता जानकी के सामने खड़ी थी और भगवान राम माता जानकी बलमाला लेकर खड़ी हुई सखियों के साथ में। भगवान राम गुरु जी को भगवान क्या सिखा देते हैं, भैया तुम्हारी अंदर में जितने शक्ति क्यों नहीं हो, जब तक गुरु जी का आदेश नहीं होना तब तक कहीं हाथ नहीं लगाने चाहिए। गुरु जी का आदेश बगैर कुछ भी करोगे सब निष्फल हो जाओगे, इसलिए गुरु जी को आदेश को ग्रहण करते हुए कोई काम करो फिर इसमें सक्सेसफुल होगे। भगवान राम गुरु जी के आदेश को पाकर धीरे धीरे जा रहे हैं। मैया सीता सामने खड़ी हुई, इतने में मैया जो सीता है ना वो प्राण त्याग देने के लिए जा रही है। बोले क्यों प्राण त्याग क्यों करने जा रही है, इसलिए मैया जाने की सोच रही थी कि राम क्या धनुष तोड़ पाएंगे। बोले मैया के मन में शंका क्यों हो गई, क्योंकि जो सवेरे भगवान राम जब पुष्प चयन करने गए थे वाटिका में उसी समय सीताराम साथ में भेंट हुई, अब उसी समय मीठी मीठी हवा बह रही थी, भगवान राम पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, स्वयं पुष्प जी को हाथ में समर्पित हो रहे। और उसी समय में मैया सीता ने देखा भगवान राम इतने कोमल शरीर है, शरीर से पसीना की टपक हो रहा था, शरीर से पसीना टपक रहा था, इतने भगवान राम कोमल शरीर है। बोले इतने कोमल शरीर और राम कितने 10-10 साल की उम्र है, इसी उम्र में ये धनुष को कैसे उठाएंगे। इसलिए मैया सीता सोच रही थी अगर प्रभु राम अगर ये धनुष को नहीं उठा पाएंगे लगता है ये वरमाला मेरी बेकार हो जाएगी, इसलिए फिर जीवन धारण करके क्या लाभ। मैया सीता तो प्राण को त्याग देने जा रहे थे, अभी भगवान राम जब सीता की भावना को समझे है ना, फिर प्रभु राम सोच रहे हैं का बरसा जब किसे सुखाई, अरे धनुष तो इसलिए तोड़ने के लिए जा रहा हूँ मैया सीता से सीता से शादी करने के लिए, अगर तोड़ने से पहले अगर सीता जी प्राण ही त्याग कर दिया धनुष तोड़ कर क्या होगा बेकार है। अभी सीता जी की भावना का समझ तो दिए ना, प्रभु राम एकदम जल्दी जल्दी गए, एकदम जल्दी जल्दी गए और देखते देखते धनुष को उठाए और चढ़ा उठा करके जब उसमें प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए गए क्या हुआ धनुष दो टुकड़ा हो गया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। धनुष तो टुकड़ा लेकिन आप लोगों को ताली मिल जाए। ठीक है और ये सब ताली मिल जाए। ठीक है अभी जब भगवान धनुष टूट गया इतने में क्या हुआ, इतने में जो सखियां थी ना इतने में से जनक महाराज सूरनयना को बोले, बोले सूरनयना जाओ जल्दी 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 सीता जी को लेकर के आओ। इतने में मैया सीता वरमाला लेकर आ रही, जब आ रही है अभी गले में डालेगी, जब डालेगी मैया सीता कितने बड़े प्रभु राम की तदन भगवान राम बड़े लंबे फिर मुकुट पहने हुए, मैया सीता जब माला डालने के लिए जा रही थी ना हाथ नहीं डाल रहा, मैया सीता छोटी सी है ना है? छोटी सी है अभी दो लाइन जाने हरे कृष्णा जो तनिक रघुवीर लली मेरी छोटी सी जुग जाइयो तनिक रघुवीर लाली मेरी छोटी सी जुग जाइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी जुग जाइयो तनिक इसलिए अभी कहते झुक जाओ
इतने में क्या हुआ, अभी मैया सीता माला लगे खड़ी हुई, इतने में जो सीता जी की जो सहेलियां थी ना, अभी सीता जी के साथ शादी होगी, राम की सब साली लगती है, अब देखना जो सालियां हैं ये दामादों के साथ में हंसी दिल लगी करते कि नहीं, हंसी दिल लगी करते हैं हाँ हंसी। इतने में जो सीता जी की सखियां थी ना, प्रभु राम को कान से जाकर चुपचाप से बोलती, बोले राम थोड़ी सी सर झुका दो ना, सर को थोड़ा झुका दो। राम बोले कि यार तुम्हें पता है मैं किसके बेटा, दशरथ महाराज की बेटा, अभी तक हमारे वंश में कोई किसी चरण में सर नहीं झुकाए है, शादी शादी भी अभी नहीं, बोले सर झुका दो भैया, हम किसको चरण में तो सर झुका नहीं सकते हैं, है मैं तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा, वो ऐसे कैसे खड़े रहे। इतने में जो सखियां थी ना लक्ष्मण को बोले, तो लक्ष्मण गुरु जी है, गुरु की कृपा से तो हो सकती है ना, लक्ष्मण को बोले देख लक्ष्मण अगर तू हमारी एक काम कर ना, हम तुम्हारे काम करते। लक्ष्मण बोले बताओ क्या है, बोले देखो ये सीता जैसे सुंदरी है ना, इसके की छोटी बहन जिसका नाम उर्मिला, वो भी देखने में इतनी सुंदरी है, हैं अगर हमारी जानक के लिए तुम एक काम कर दोगे ना, फिर तुम्हारे लिए भी हम और एक काम पर शादी की व्यवस्था कर देंगे। लक्ष्मण बोले भैया शादी की जब बात आई फिर करना ही पड़ेगा, बोलता कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए इतने में उन्होंने प्रभु राम की भावना को समझते हुए, इतने में प्रभु राम लक्ष्मण को इशारा कर रहे हैं, बोले लक्ष्मण तू कुछ कर, बोले प्रभु मैं क्या कर सकता हूँ, ये पृथ्वी स्वरूप लक्ष्मण है, पृथ्वी तो दो टुकड़े है ही नहीं, जो एक टुकड़े को ऊपर और एक नीचे कर दो, अगर हम ऊंचा करेंगे तो दोनों ही तो ऊंचे हो जाते, बोले तू कुछ कर, देख तेरे भाभी माला लेकर खड़ी हुई, मैं तो सर को नीचा कर ही नहीं सकता, तो किसी कर। इतने में लक्ष्मण ने क्या की, प्रभु की भावना को समझते हुए राम के चरण में प्रणाम किया। जब राम के चरण में जो प्रणाम करेगा उसको तो उठाना पड़ेगा ना, इतने में राम बोले लक्ष्मण तो क्या कर रहे हो, क्यों प्रणाम क्यों कर रहे हो, उठो। जब उठाने के लिए गए क्या हुआ, सर नीचा हो गया, भैया सीता ने बरमाला डाल दी। जब उन्होंने बरमाला डाल दी ना, जितने उनकी सहेलियां थी लक्ष्मण को बोले देखा लक्ष्मण तेरे प्रभु का हार पहनना ही पड़ा, मतलब क्या तेरे प्रभु का हार हार मानना ही पड़ा, सर झुकाना ही पड़ा। लक्ष्मण बोले तुम लोग कहते हार, फूल की एक माला हार है ना, बोले हम लोग हार नहीं कहते, हम कहते जय माला, क्या कहते हैं जय माला कहते, हमारे प्रभु जय माला पहने, हारे नहीं जय माला उन्होंने पहने। इतने में तब उनके पता चला, भैया जब दशरथ महाराज जी को खबर दी गई, दशरथ महाराज बराती को लेकर के आए, पता चला ये दो भाई नहीं ये चार भाई है, और इनको पास में चार बेटी है, सीता उर्मिला सुतकृत और मांडवी। देखा भैया बड़ी तो बड़ी प्यारी है, और ये साक्षात विष्णु स्वरूप की चार है, हैं और ये साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूप की, भैया भैया शुभम शीघ्रम शुभ कार्य जल्दी हो जानी चाहिए। बोले एक साथ में चार ही भाइयों की शादी हो गया। जब शादी हो गई, पहले नियम होता था ना चार दिन के बाद में मेरे मिलन होती थी, अभी चार दिन के बाद में सीता की जितने सखियां थी ना, चार ही बहुओं को बड़ी सुंदर दुल्हनी बना करके और इतने बड़े बड़े घूंघट उगाड़ करके लेकर के आए। बोले देखो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तुम चार भाई हो, नहीं ये तुम्हारी चार ही उन्होंने बोले छाटो चारों को, सालिया ये कहते हैं ना हंसी दिल करती है, बोले छाटो कौन किसके। भगवान राम बहुत चिंता करते 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 बोले ये मेरी सीता है, ये मेरी सीता है। बोले सचमुच अपना सीता को छाट दिए। भरत को बोले तू बताओ तुम्हारी पत्नी कौन है, वो बहुत सोच सोच करके बोली ये मेरी मांडवी। इतने में बोले, इतने में शत्रुघ्न को बोले, बोले सुनो तुम्हारी पत्नी कौन, उसने सचमुच से अपना सुतकृति को नाम ले लिया, ये मेरी पत्नी है। लक्ष्मण को बोले बोलो तुम्हारी को ठीक उर्मिला को उसने छाट दी। ये सालिया तो आश्चर्य बोलिए अभी तक तो देखे नहीं, कैसे पता चला इनको। बोले भैया अभी तक तो तुम्हारी बहुओं को तुम लोगों देखे ही नहीं, कैसे पहचाना, राम को कुछ बताओ तुम कैसे पहचाना। बोले देखो मैंने सीता को दो बार देखा है, जब मैंने पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने गया था तभी मैंने सीता को देखा, और जब सीता मेरे गले में माला डाल रही थी ना तब भी मैंने देखा है, इसलिए मैं अपना सीता को पहचान किया ये मेरी सीता है। तब भरत जी को बोले तुमने कैसे पहचाना, ये मांडव भी है। बोले देखो
मैं राम का एकनिष्ठ भक्त हूँ, मैं कुछ भी काम करता हूँ प्रभु राम की चरण को चिंतन करते हुए करता हूँ, इसलिए हर काम में मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ। इसलिए मैं छांट लिया शत्रुघ्न को, बोले तेरे को कैसे पता चला ये तुम्हारी पत्नी? बोले देखो मैं चार भाइयों में सबसे छोटा हूँ, मैंने देखा ये चारों में जो सबसे छोटी होगी ना युवती होगी, इसे जो सबसे जो छोटी थी मैंने बोल दिया भैया ये मेरी पत्नी। लक्ष्मण को बोले तेरे को कैसे पता चला? बोले देखो ये सीधी सी बात, तीनों ने जो तीनों को छाड़ दिया जो बच गई वो मेरी है। इसलिए हमने ऐसे ही वहां पर बड़ी हंसी भी लगी हुई और वहां पर बड़ा आनंद आया। प्रसिद्ध रामचंद्र की जय। अभी ठाकुर जी की अभिषेक होगी, अभिषेक कर रहे ना, अभिषेक कर रहे ना। हाँ अभी यहाँ पर प्रभु भजन गा रहे हैं हम लोग, भगवान राम के जन्म हो गए हैं इनके पीछे भी आप लोग भजन गा। रामचंद्र भगवान की जय।